साथियों, सामान्य साथियों, जिला संगठन विधानसभा यूनिट और सेक्टर की जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का। पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जा करके अभी तक जो संगठन हमारा बना है उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। उसी क्रम में आज जनपद चित्रकूट में इधर मैं आया हूं। एक तो सामाजिक भाईचारा का सम्मेलन भी है जो विभिन्न जातियों का हमारा संगठन तैयार हुआ है, उसकी भी समीक्षा है, हमारे संगठन की समीक्षा है। और देखने को जो मिल रहा है, मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है 2019 को लेकर के। देश में 4.5 साल से जुमलेबाजों की सरकार चल रही है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था। आज 4.5 साल गुजर गया है, लगभग 9 करोड़ नौजवान को नौकरी मिलती अगर ये अपने वादे के हिसाब से सरकार काम करती, लेकिन अभी तक कुल 4 लाख लोग नौकरी पाए हैं। यानी ये भी इनका वादा चुनावी जुल्म साबित हुआ है। किसान को जो कर्जा माफ़ी का वादा किया था, किसानों का किसी का 100 रुपये चेक आया, किसी का 200 रुपये चेक आया, किसी का 500 चेक आया, और जिस किसान का 1,50,000 था उसका नहीं माफ़ किया, बल्कि 100 करोड़ 200 करोड़ वाले बड़े बड़े पूंजीपतियों के धन माफ़ करने का काम किया है।